उत्तराखंड क्रांति दल द्वारा देहरादून स्थित गांधी पार्क के सामने प्रदेश में बढ़ रही महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार जैसे कई मुद्दों को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया। उत्तराखंड क्रांति दल के केंद्रीय महामंत्री जयप्रकाश उपाध्याय ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि प्रदेश में भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है और लगातार अधिकारियों के भ्रष्टाचार में शामिल होने की खबरें सुर्खियां बटोर रही हैं, जो कि प्रदेश के लिए एक चिंता का विषय बना हुआ है। लगातार 21 साल से सभी सरकारों ने भ्रष्टाचार को कम करने के वादे जनता से किए, लेकिन इसे धरातल पर आज तक कोई भी सरकार नहीं उतार पाई। साथ ही उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय पार्टियों को खुश करने की जिम्मेदारी होती है, जिसकी वजह से वह प्रदेश स्तर पर ठीक से काम नहीं कर पाते। लेकर यहाँ पर बैठे हैं। भ्रष्टाचार ऊपरी स्तर पर बड़ा विद्यमान है और प्रदेश की जो हालत हो गई है आप सबके सामने है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, महंगाई चरम सीमा पर है। उसके ऊपर हम ये जो अधिकारियों के नाम घोटालों में आ रहे हैं और नेताओं के नाम जो घोटाले पर आ रहे हैं, वो बड़ा चिंताजनक विषय है। इस नवोदित प्रदेश में जो 21 साल हो गए, हमने भ्रष्टाचार के ऊपर काम नहीं किया, हमने अपना नियोजन में कोई काम नहीं किया। उत्तराखंड क्रांति दल का मानना यह है कि राष्ट्रीय पार्टियां इस प्रदेश का भला नहीं कर सकती। राष्ट्रीय पार्टियों के सामने अपने अकाओं को खुश करने की सबसे बड़ी चुनौती है। वो अपने अकाओं को खुश करने के लिए अपने प्रदेश का भ्रष्टाचार उनको आंखें मूंद लेते हैं, उन अधिकारियों के जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, जो करोड़ों रुपये के जमीनी घोटाले कर रहे हैं, यहाँ के योजनाओं पर घोटाले कर रहे हैं, उसकी तरफ आँखें मूंदे हुए हैं। तो राष्ट्रीय पार्टियाँ ये कभी नहीं कर सकती। उत्तराखंड क्रांति दल ही इस प्रदेश को बचा सकता है, क्योंकि हम आर्थिक रूप से जरूर कमजोर हैं, लेकिन विचारों के आधार पर इस राज्य को बनाने और संवारने का काम जो उत्तराखंड क्रांति दल करेगा, वो किसी के बस की बात की नहीं है। और राष्ट्रीय पार्टियों को ये सीधे सीधे चुनौती उत्तराखंड की जनता को देनी चाहिए कि ये भ्रष्टाचार और महंगाई और बेरोजगारी पर ये लोग आज का क्या कर रहे हैं, इस पर सीधे सीधे सवाल जनता को पूछने होंगे। और जनता में हम जाएंगे और जनता को भी लामबंद करेंगे कि हम राष्ट्रीय पार्टियों के खिलाफ एक माहौल बना पाएँ कि ये लोग काम नहीं करते, केवल राजनीति धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, वर्गों के आधार पर राजनीति करते हैं, उसका हम विराम लगाएंगे।